हेलो फिश कीपर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्वेरियम हॉबिस्ट। मैं प्रीतेश आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक्वेरियम वाटर कंडीशनर या डीक्लोरिनेट के ऊपर है। हम आज देखेंगे कि क्या यह सबके लिए ज़रूरी है, ये काम कैसे करता है और इसे यूज़ कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहले देखते हैं कि क्या यह सभी के लिए ज़रूरी होता है। इसका सीधा जवाब है, ये डिपेंड करता है कि आप अपने एक्वेरियम में पानी कहाँ से लाके डालते हैं। अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं और आप अपना पानी किसी कुएं या बोरवेल से यूज़ करते हैं तो आपके लिए डीक्लोरिनेटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पानी में क्लोरीन नहीं रहता है। ओनली टाउन या अर्बन एरिया जहाँ गवर्नमेंट का वाटर कनेक्शन से वाटर सप्लाई होता है, उसी जगह पर डीक्लोरिनेटर का यूज़ एक टाइप से मैंडेट होता है, क्योंकि उस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है जो वाटर को डिसइन्फेक्ट करता है, और ये क्लोरीन हम इंसानों के लिए कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन वही क्लोरीन फिश के लिए जानलेवा होता है। वाटर के अंदर क्लोरीन फिश के गिल्स को डैमेज कर देता है, जिससे फिश पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। अब देखते हैं वाटर कंडीशनर या डीक्लोरिनेटर काम कैसे करता है। यहाँ पे दो तरह की क्लोरीन की बात आती है, पहला है क्लोरीन और दूसरा है क्लोरामाइन। क्लोरीन जो है वो पानी को ओपनली रखने से पानी के अंदर से निकल के अपने आप वेपर बन के बाहर निकल जाता है आसानी से, लेकिन क्लोरामाइन जो है वो अपने आप नहीं निकल पाता। उसको ब्रेकडाउन करके क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए वाटर क्लोरिनेटर चाहिए होता है। ये कंडीशनर या डीक्लोरिनेटर के अंदर के केमिकल वाटर के अंदर के क्लोरामाइन और अमोनिया के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, जिससे क्लोरीन रिलीज हो जाता है और उड़ जाता है, और अमोनिया टैंक के अंदर ही रह जाता है, जिसे हम अपने वाटर चेंजेस के दौरान बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग अपने वाटर को डीक्लोरिनेट करने के लिए ओपन बकेट में पानी एक दो हफ्ता बाहर रख देते हैं, जिस टाइम पे वाटर के अंदर के क्लोरीन बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब वाटर के अंदर क्लोरीन हो। अगर उसके अंदर क्लोरामाइन रहा तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूनिसिपैलिटी वाटर सप्लाई में क्लोरामाइन ही यूज़ किया जाता है, तो उन सारे एरियाज में वाटर कंडीशनर या डीक्लोरिनेट का यूज़ करना एक टाइप का मैंडेट बन जाता है। मैं पर्सनली क्लोर एवे यूज़ करता हूँ, जो कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आराम से मिल जाएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इससे आपको पर 100 लीटर में 10 ml ऐड करना होता है। तो मेरे 40 लीटर के टैंक में एवरी वाटर चेंज के दौरान मैं 3 से 4 ml ऐड कर देता हूँ। आप उस हिसाब से अपने टैंक के लिए अमाउंट भी अंदाज़ा कर लीजिए। उसके ऊपर आपको अपने एक्वेरियम के अंदर एयर स्टोन या बबलर लगाना होता है, जिससे ये क्लोरीन रिमूवल का प्रोसेस और भी फास्ट हो जाता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस हॉबी में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही फिश एंड एक्वेरियम रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फिश कीपिंग।